नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पांचाल। हमारे YouTube चैनल ड्रैगन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी के आइकन को जरूर दबा लीजिए। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो प्रोवाइड करवाई थी कि जो हरियाणा में जो है हरियाणा पुलिस की बहुत बड़ी भर्ती है जो आ चुकी है, जो इसमें की 6400 टोटल वैकेंसी इसमें बताई गई है, और उसमें जो क्या कुछ आपकी जो एज लिमिट रहनी चाहिए और उसकी क्या कुछ क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है और जो कुछ भी आपकी एलिजिबिलिटी उसमें मांगी गई है वो सब मैंने उस वीडियो में आपको बता दिया था। ठीक है, तो अब बात करें कि आपका जो एग्जाम किस तरह से होगा, फिजिकल आपका किस तरह से होगा, आपकी जो एग्जाम वो कब होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा या फिर जो आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा या OMR बेस्ड होगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले आपकी बात करें जो आपका जो एग्जाम होना है उसकी, देखिए यहाँ पर 80% वेटेज जो है यहाँ पर दिखाई गई है। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर जो 80 जो है मार्क्स आपके रहेंगे इसके एग्जाम के, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, यानी कि जिसमें कि आपने गोले भरने होते हैं वो। ठीक है, जो 100 क्वेश्चन होंगे लेकिन मार्क्स होंगे 80, यानी कि 0.80 मार्क्स आपको मिलेंगे एक क्वेश्चन के। 90 मिनट का टाइम रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में जो आपका एग्जाम ये होगा। ठीक है, तो दोनों ही भाषाओं में आपको जो क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब बात करें आपके यहाँ पर जो टॉपिक क्या कुछ रहेंगे एग्जाम में, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आके पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर GK रहेगी, जनरल साइंस रहेगी, करंट अफेयर रहेंगे और रीजनिंग, और यहाँ पर मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री रहेगी। ठीक है, और 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे यहाँ पर कंप्यूटर से संबंधित। ठीक है, तो ये रहेगा आपका 80 नंबर का। इसके बाद यहाँ पर 20 नंबर आपको और एक्स्ट्रा जो मिले हैं उसके भी बताऊंगा कि इनको वो आपको जो 20 मार्क्स मिलेंगे। तो उससे पहले यहाँ पर देखिए कि जो PST आपका रहेगा, यानी कि फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर बात करें कि जो एग्जाम आपका होगा पहले जो CBT होगा या फिर MR बेस्ड जो भी होगा, उसके आधार पर जो आपको फिजिकल के लिए 7 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, यानी कि टोटल जितनी भी वैकेंसी है उनके 7 गुना कैंडिडेट जो है फिजिकल देने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो मेल कैंडिडेट है उनको जो है 2.5 किलोमीटर की रेस जो है आपको 12 मिनट में जो क्वालिफाई करनी है, और जो लड़कियाँ हैं उनको जो है 1 किलोमीटर की रेस 6 मिनट में, और जो एक्स सर्विस मैन है उन्हें भी 1 किलोमीटर की रेस जो है वो 5 मिनट में जो क्वालिफाई यहाँ पर करनी पड़ेगी। अब इसके बाद बात करें इसकी जो एडिशनल जो क्वालिफिकेशन है, यानी कि जो 10% वेटेज जिनकी रहेगी, यानी कि जो 80 नंबर का तो आपका एग्जाम होना है, उससे एक्स्ट्रा जो है 20 नंबर आपको और मिलने हैं। तो जो 10 नंबर आपको मिलेंगे वो मिलेंगे, जो पहले बात करें कॉन्स्टेबल की, तो यहाँ पर जो आपकी एजुकेशन है उसके मैक्सिमम 7 मार्क्स आपको मिल सकते हैं, यानी कि आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो आपको जो है उसके 4 नंबर जो आपको मिलेंगे। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, यानी कि BA के बाद MA किया है या कोई और जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपने ली है, तो यहाँ पर 3 मार्क्स आपको उसके मिलेंगे। ठीक है, बात करें कि सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है उसकी, तो यहाँ पर जो एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो 7 नंबर इसके मैक्सिमम मिलने हैं, तो 4 नंबर जो आपको मिलेंगे अगर आपने हायर ग्रेजुएशन किया है, यानी कि जो है आपने जो ग्रेजुएशन किया है वो लॉ में किया है या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग या साइंस में जो, या फिर फोरेंसिक मेडिसिन में या फोरेंसिक साइंस में या पुलिस साइंस में या फिर क्रिमिनोलॉजी में, इनमें आपने अगर ग्रेजुएशन किया तो आपको 4 नंबर उसके मिल जाएंगे। और उसके बाद बात करें कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसके भी 3 नंबर आपको एक्स्ट्रा जो है वो मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो आपने अगर MPhil या फिर PhD किया है तो जो उसके 3 नंबर और एक्स्ट्रा जो मिल जाते हैं, यानी कि 10 नंबर तक जो आपको इसके एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और बात करें कि 3 नंबर और एक्स्ट्रा जो मिलने हैं वो मिलने हैं NCC के, अगर NCC का सर्टिफिकेट ABC ग्रेड ग्रेड वाइज जो आपको ये नंबर मिलेंगे, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 नंबर मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, तो 3 नंबर NCC के भी मिल सकते हैं। अब बात करें इसके बाद जो 10 नंबर और रह जाते हैं, 90 क्योंकि नंबर आपके हो चुके हैं 10 नंबर का एग्ज़ाम और 10 नंबर जो अभी मैंने आपको बताई, तो 10 नंबर मिले, इन 10 में से जो है 5 नंबर आपको उन कैंडिडेट को जो यहाँ पर मिलेंगे जिनके घर में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है या कोई भी किसी कंपनी में जो परमानेंट यहाँ पर जो गवर्नमेंट जॉब है वो उन्होंने नहीं की है, या फिर किसी कंपनी में जो है परमानेंट जॉब नहीं की है। ठीक है, तो उसमें कोई भी आपका जो रिश्तेदार वगैरह हो सकता है, यानी कि रिश्तेदार की बात करें तो यहाँ पर आपका पिता जो माता आपकी या फिर आपका भाई, ठीक है, ये या फिर आपका बेटा, इनमें से कोई ना हो। ठीक है, तो बात करें कि आपके 5 नंबर और जो है वो यहाँ पर विधवा जो हैं उनको, या फिर जिनके पिता जो है 22 साल की उम्र पूरी करने से पहले ही गुजर गए हों, और आप जो है पहले या दूसरे आपकी जो उनकी संतान हो, या फिर जो है अगर आपकी एज 15 साल ना हुई हो और उससे पहले ही जो आपके पिता की जो है यहाँ पर डेथ जो हो गई हो, तो भी आपको जो 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। तो 5 नंबर और मिलेंगे जो विमुक्त जाति हैं, टपरीवास जाति जो उनसे संबंधित जो हैं उनको जो यहाँ पर 5 नंबर मिल सकते हैं, और 8 नंबर जो है उन कैंडिडेट्स को मिल सकते हैं जिनका कि 8 साल तक का जो है यहाँ पर प्राइवेट जो डिपार्टमेंट हैं, प्राइवेट जो कंपनीज वगैरह हैं उनमें जो है यहाँ पर 16 साल तक का जो एक्सपीरियंस अगर है तो उनको 8 नंबर तक मिल सकते हैं, और टोटल जो है मिलेंगे 10 नंबर तक। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिल सकते हैं।
और एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम जो आपका वो होगा 13/7/2019 से 18/8/2019 तक। तो आपको पता है कि फॉर्म जो है आपके वो कब तक भरे जाने हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 26/6/2019 तक जो आपके फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि 13-14 दिन का आपको टाइम मिलेगा बस। और उसके बाद जो है यहाँ पर एग्जाम जो आपका 13/7/2019 को जो है शुरू होकर जो 18/8/2019 के बीच आपका एग्जाम वो होगा, ठीक है। यानी कि बहुत ही कम टाइम आपको जो इसके लिए दिया गया है, 1 सवा महीने का ही टाइम आपको मिलेगा बस, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये थी इसके लिए सारी की सारी एग्जाम डिटेल और जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होना सारा सब कुछ वो आपको मैंने इस वीडियो में बता दिया है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबा लीजिए ताकि ऐसी ही अपडेट आपको मिलती रहें।